हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन माना अ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, यानी कि एक स्टेटमेंट जो क्या कहता है कि दो क्वांटिटीज क्या है, इक्वल है। यानी कि LHS equal to RHS, इसका मतलब equal left hand side की value किसके equal है, right hand side की value के equal है। मतलब जैसे mathematics में equation होते हैं, क्या equation है, a plus b का whole square किसके equal होता है, a square plus 2ab plus b square, ये किसका equation है, maths का equation है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो ये तो है इक्वेशन, मैथमेटिक का इक्वेशन। तो मैथमेटिक के इस इक्वेशन की तरह अकाउंटिंग का भी इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है और वो क्या शो करता है, इसी को आज हम जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, बुक में अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें दी हुई है उसमें। लेकिन जब मैंने कोर्स देखा इस साल का, जब सिलेबस देखा, तो उसमें मैंने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नहीं है। फिर भी ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो मेरे हिसाब से समझानी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें बैलेंस शीट को समझना होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक शीट है जो कि किसी पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। अ शीट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डेट को उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। जनरली बैलेंस शीट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाई जाती है, है ना? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये शो करने के लिए जो शीट बनाई जाती है, जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाता है। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है, तीन चीजें आती हैं कि उस बिजनेस की असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितनी है। तीन चीजों से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अच्छा, एसेट्स में भी उसकी करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज में भी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, और उसमें व्यवसाय की जो ओनर है उसकी कैपिटल कितनी लगी हुई है। ये तीन चीजें क्या शो करती हैं, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। जैसे किसी भी पर्सन की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या देख के पता की जाती है कि उस आदमी के पास मकान कैसा है, कार है या नहीं है, दुकान है या नहीं है, उसके पास कैश कितना है, वो खर्चा कितना करता है, एक्सपेंडिचर देख के भी किसी भी आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन किया जा सकता है, उसको डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्यों चेक की जाती है, किसी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर, कहीं शादी ब्याह का मामला होता है तो भी उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है कि फला लड़के के बाप क्या करता है, उसका मकान दुकान कैसा है, खर्चा कितना है, घर में नौकर चाकर है या नहीं है, ये सब चीजें देख के क्या डिसाइड किया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड की जाती है। तो इसी तरह से ही बिजनेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन क्या देख के चेक की जाती है, एसेट्स कितनी है उस बिजनेस में, बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, लाइब्रेरी उसके बाद बैंक लोन उसका कितना है, कर्जा कितना है, कैपिटल कितनी लगा रखी है, ये सब चीजें क्यों जानना जरूरी है। जैसे इन्वेस्टर ये फाइनेंशियल पोजीशन देख के ये देखता है कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बैंक ये डिसाइड करती है कि फाइनेंशियल पोजीशन देख के कि इस बिजनेस को लोन देना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्रेडिटर डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करके कि इस बिजनेस को माल उधार दिया जाए नहीं दिया जाए, आगे इसके साथ ट्रांजैक्शन किया जाए या नहीं किया जाए, गवर्नमेंट भी ये डिसाइड करती है फाइनेंशियल पोजीशन देख के कि टैक्सेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब फाइनेंशियल पोजीशन जिस स्टेटमेंट से चेक की जाती है
वो क्या कहलाता है स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कहलाता है। अच्छा, इस बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड क्या दिखा जाता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं, और इस बैलेंस शीट के राइट साइड क्या लिखा जाता है, टोटल एसेट्स लिखी जाती हैं। तो कोई भी इक्वेशन क्या कहता है कि लेफ्ट साइड के वेरिएबल की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, राइट साइड के वेरिएबल के इक्वल रहेगी। तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड क्या दिखाया जाता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और राइट साइड क्या दिखाया जाता है, टोटल एसेट्स दिखाई जाती है। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हैं, यानी बिजनेस की जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हैं, वो किसके इक्वल रहेंगी, टोटल एसेट्स के इक्वल रहेंगी। यानी जो लेफ्ट साइड है वो किसके इक्वल रहेगा, राइट साइड के इक्वल रहेगा। तो बिजनेस की इस पोजीशन को जो इक्वेशन शो करता है वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि हर हालत में जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल रहेंगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल रहेंगी। इक्वेशन क्या बन रहा है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्यों, क्योंकि बिजनेस में जो भी असेट्स परचेज की जाती हैं वो या तो ओनर द्वारा लगाई गई कैपिटल से परचेज की जाती हैं, या जो लाइबिलिटीज होती हैं जो बाहर से पैसा लिया गया है उसमें से ये असेट्स परचेज की जाती है, है ना। तो असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो बना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है कि अगर लाइबिलिटीज कितनी होगी, उस बिजनेस की लाइबिलिटीज किसके इक्वल होगी, अगर एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या क्या हो जाएंगी, उस एसेट्स की लाइबिलिटीज हो जाएंगी। यानी दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। और तीसरा इक्वेशन क्या बन रहा है कि कैपिटल किसके इक्वल होगी, उस बिजनेस की एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल के इक्वल हो जाएगी। और बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसका इफेक्ट जो भी पड़ेगा उससे चेंज होगा एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, कैपिटल में, हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या बैठेगा, इक्वल ही बैठना चाहिए। इसको हम एक बैलेंस शीट से और एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कहने का मतलब है कि किसी ट्रांजेक्शन से अगर एसेट्स में कोई इंक्रीज होता है तो दूसरी तरफ लाइबिलिटीज या कैपिटल में इंक्रीज होगा, और अगर एसेट साइड कोई डिक्रीज होता है तो दूसरी तरफ कैपिटल या लाइबिलिटीज में कोई ना कोई डिक्रीज होगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों साइड का टोटल क्या बैठेगा, इक्वल बैठना चाहिए। बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है। बैलेंस शीट को अच्छे से हम समझेंगे आगे आने वाले जब बैलेंस शीट का चैप्टर आएगा। एक बार हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट ऊपर इस लिखा जाएगा बैलेंस शीट ऑफ जो भी फर्म का नाम है, जो या जो बिजनेसमैन का नाम है वो, और एज एट और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो भी अकाउंटिंग पीरियड है वो डेट डाली जाती है। एज एट का मतलब है कि 31 मार्च 2023, यानी जिस डेट को बैलेंस शीट बनाई जा रही है उस पर्टिकुलर डेट पे उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि उस पर्टिकुलर डेट को उस बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी कैपिटल है और कितनी लाइबिलिटीज है। तो लेफ्ट साइड क्या शो किया जाता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड को शो, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को शो किया जाता है, एंड राइट साइड उस बिजनेस की असेट्स को शो किया जाता है। तो मान लीजिए उस बिजनेस में कैपिटल है 60,000 की और लाइबिलिटीज है 40,000 रुपीज की, यानी कैपिटल यानी उस मालिक, उस बिजनेस का जो ओनर है उसका पैसा कितना लगा हुआ है, और लाइबिलिटीज यानी कि जो बाहर के लोग हैं उनका पैसा, उनका अमाउंट कितना लगा हुआ है। तो 60,000 की कैपिटल है एंड 40,000 की लाइबिलिटीज है, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज। और टोटल एसेट्स उस बिजनेस में कितनी है, 1 लाख रुपीज की, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, सपोज कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि कैपिटल एंड लाइबिलिटीज किसके इक्वल है, एसेट्स के इक्वल है। तो ये हम क्या कहलाएगा, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाने के लिए ही एक रफली मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया। आइए अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनका इस लेखांकन समीकरण पर
किस तरह प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹75,000, यानी कि गोपाल ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें उसने क्या लगाया, 75,000 की पूंजी लगाई, 75,000 की पूंजी से उसने व्यवसाय शुरू किया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे एसेट्स के रूप में क्या है, कैश है, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो यहाँ पे 75,000 की कैश है, लाइबिलिटीज निल है, और कैपिटल कितने की है, 75,000 की कैपिटल है। तो दोनों साइड का टोटल कितना बैठ रहा है, 75,000 बैठ रहा है। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि गोपाल ने फर्नीचर खरीदा कितने का, 5000 का, 5000 का उसने फर्नीचर परचेज किया। तो अब हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स दो हो गई, कैश और फर्नीचर, है ना, दो एसेट्स हो गई, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ कैश कितने की हो गई, 75,000 की पहले कैश थी, तो अब क्योंकि 5000 का फर्नीचर खरीदा है तो कैश कितनी हो गई, 70,000 की कैश हो गई, प्लस 5000 का फर्नीचर हो गया, लाइबिलिटीज अभी तक मिल है, और कैपिटल कितने की है, 75,000 की है। तो दोनों साइड इक्वेशन क्या हो रहा है, 75,000 इक्वल टू 75,000, यानी इस लेन देन से एक एसेट में तो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना, कैश डिक्रीज हुई, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, फर्नीचर के रूप में एसेट इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो दो एक एसेट्स में ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, टोटल दोनों साइड का क्या है, बराबर है। आ जाते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पर। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज इन कैश, यानी नकद में माल खरीदा कितने का, 20,000 का। अब इधर तीन एसेट्स हो गई, कौन सी, कैश भी है, फर्नीचर भी है, और गुड्स के रूप में भी क्या हो गया, एसेट्स बढ़ रही है ना, स्टॉक या गुड्स कह सकते हैं इसको। तो तीन एसेट्स हो गई, कैश कितने की हो गई, पहले 70,000 की थी, उसमें से 20,000 का हमने क्या खरीद लिया, माल खरीद लिया। अब हमारे पास कैश कितने की है, 50,000 की है, प्लस 5,000 का क्या है, फर्नीचर है, और प्लस हमने जो माल खरीदा है गुड्स, वो कितने का है, 20,000 का है। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज अभी तक हमारी निल है, प्लस 75,000 की कैपिटल है। तो दोनों तरफ का टोटल क्या बैठ रहा है, 75,000 इक्वल टू 75,000, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसका इफेक्ट दोनों पर पड़ेगा। इस ट्रांजेक्शन में एक एसेट में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और एक एसेट में डिक्रीज हुआ है। एसेट इंक्रीज कौन सी हुई है, गुड्स इंक्रीज हुए हैं, और डिक्रीज कौन सी हुई है, कैश डिक्रीज हुए है ना 20,000 की। तो अल्टीमेटली लेकिन क्या बैठा, अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड का वैल्यूज की टोटल जो है 70,000 बैठ रही है। अब देख लेते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000, यानी कि उसने 16,000 रुपए का माल क्या लिया है, उधार में लिया है ना। अब हमारे पास एसेट्स में क्या है, कैश है, फर्नीचर है, और गुड्स है। कैश कितने की थी, 50,000 की, तो कैश अभी 50,000 की है क्योंकि माल उधार खरीदा है। फर्नीचर हमारे पास कितने का था, 5,000 का था, तो फर्नीचर अभी भी 5,000 का है, 5,000 का है। गुड्स हमारे पास कितने थे, 20,000 के गुड्स थे। अब 16,000 का हमने माल उधार और खरीदा है, तो अब हमारे पास गुड्स कितने का हो गया है, 36,000 का गुड्स हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, इक्वल टू, अब क्योंकि माल उधार खरीदा गया है तो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है ना, क्रेडिटर्स के रूप में लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है। कितने की, 16,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और प्लस 75,000 की कैपिटल तो थी। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बैठ रहा है, टोटल मिला के 91,000 इक्वल टू 91,000। कहने का मतलब है कि दोनों साइड 16,000 की इंक्रीज हुआ है ना, पहले 75,000 था दोनों का टोटल, तो 16,000 इस तरफ भी इंक्रीज हुए हैं, है ना, 75,000 पहले था, तो 16,000 एसेट साइड भी बढ़े हैं और 16,000 लाइबिलिटीज साइड भी बढ़े हैं। और अब दोनों इक्वेशन क्या बन रहा है, 91,000 इक्वल टू 91,000। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड इन
15,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि 12,000 रुपए का जो माल था जिसकी लागत 12,000 रुपए थी, उसको कितने में बेचा गया? 15,000 रुपए में बेचा गया। लेकिन वो माल कैसे बेचा गया? उधार बेचा गया। यानी इधर सीधा सीधा कितना प्रॉफिट हुआ है? 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। इस ट्रांजेक्शन से 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। आइए अब देख लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैश तो कितनी रहेगी? 50,000 कैश रहेगी, प्लस फर्नीचर 5,000 का वही रहेगा, सेम रहेगा। गुड्स 36,000 के थे, उसमें से कितने का माल बेच दिया? 12,000 रुपए का माल बेच दिया। तो अब हमारे पास गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 24,000 है ना। 36,000 में से 12,000 का, 12,000 का माल बेच दिया, तो अब हमारे पास गुड्स कितने का है? 24,000 का गुड्स है। लेकिन क्योंकि उधार माल बेचा गया है कितने का? 15,000 का, तो ऐसे समय डेटर्स बढ़ गए हैं ना, जिनको माल उधार बेचा है उन्होंने, क्योंकि कैश नहीं दी है, वो अब हमारे क्या हो गए? देनदार हो गए। तो देनदार क्या होते हैं? एसेट्स हो गए। तो 15,000 के यानी कि देनदार इंक्रीज हो गए। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने? क्रेडिटर्स वही 16,000, प्लस कैपिटल कितने की है? 75,000 की कैपिटल है, लेकिन 3,000 का क्योंकि प्रॉफिट हुआ है माल बेचने से, तो उससे क्या होती है? व्यवसाय की स्वामी की पूंजी बढ़ जाती है। जब भी लाभ लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो किस में ऐड करके दिखाया जाता है? कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 78,000 की। क्यों? 75,000 की तो पहले थी, और 3,000 का प्रॉफिट जोड़ के 78,000। दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94,000 इक्वल टू 94,000, यानी 3,000 रुपए का इंक्रीज हुआ है एसेट्स एंड लाइब्रेटरी साइड दोनों, है ना। पहले का इक्वेशन क्या शो कर रहा था? 91,000 शो कर रहा था। अब के इक्वेशन में 33,000 इंक्रीज होके कितना हो गया है दोनों साइड का टोटल? 94,000 टोटल हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेड रुपीज 1,000 फॉर रेंट, यानी कि 1,000 रुपए किराए के चुकाए गए। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का किस किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैश हमारी कितनी थी? 50,000 पहले थी, अब रेंट चुकाया 1,000 का, तो कैश कितनी हो गई? 49,000 की कैश हो गई। फर्नीचर वही सेम 5,000 का फर्नीचर है। गुड्स वही 24,000 के रहेंगे, प्लस डेटर्स वही 15,000 के रहेंगे। अच्छा, इधर इक्वल टू आ जाएंगे, क्रेडिटर 16,000 के हैं। अब चेंज कहाँ आएगा? कैपिटल में। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए किराया चुकाया है, तो 1,000 से क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जब भी कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उससे क्या होते हैं? प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट कम होते हैं, तो उसकी जो बिजनेस की, जो बिजनेसमैन की कैपिटल है, उसमें कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगा। तो 78,000 में से 1,000 जो किराया पे किया गया वो लेस हो जाएंगे, तो कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? 77,000 हो जाएगी। तो अब अल्टीमेटली दोनों तरफ का टोटल क्या बैठ रहा है? 93,000 इक्वल टू 93,000, यानी कि इस वाले इक्वेशन, इस वाले ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड में क्या डिक्रीज हुआ है? 1,000 का डिक्रीज हुआ है। एसेट्स में भी 1,000 का डिक्रीज हुआ है, और लाइबिलिटीज में भी 1,000 का डिक्रीज हुआ है। अच्छा, इस एग्जाम्पल से क्या क्लियर होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि किसी भी व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं वो उसके कुल दायित्वों और कुल पूंजी के बराबर रहेंगी हमेशा ही। दूसरी चीज क्या है कि ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू आइटम, व्यवसाय में जो भी लेन देन होगा वो कम से कम दो मदों को प्रभावित करेगा। तीसरी क्या चीज है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू इन ऑल केसेस, लेकिन कुछ भी हो जाए हर हालत में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होना चाहिए? सही साबित होना चाहिए, यानी कि एसेट्स का जो टोटल है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इस बार एग्जाम के सिलेबस में तो नहीं है, पर ये क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है, इसलिए मैंने इसे बताना और समझाना जरूरी समझा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लेक्चर बनाया है, तो आप जरूर देखें। और आने वाले लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में समझाऊंगी, तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।